आखिर क्यों शिवराज ने एमपी को कर दिया बाय बाय? मध्य प्रदेश में 18 साल राज करने के बाद क्यों साउथ चले शिवराज? शिवराज को साउथ भेजकर क्या साधना चाहते हैं मोदी? क्या साउथ इंडिया में शिवराज सिंह चौहान का होगा वेलकम? क्या है बीजेपी के इस मूव का सनातन से कनेक्शन? दोस्तों, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने अपना जो राजनीतिक चरित्र दिखाया है उससे देश के कई राजनीतिक पंडित आश्चर्यचकित हैं। मोदी 1.0 में गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह को मोदी 2.0 में रक्षा मंत्री बना दिया गया। मोदी कैबिनेट में कद्दावर मंत्री माने जाने वाले रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे मंत्रियों को संगठन में भेज दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया और इस कड़ी में अब शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल हो गया। 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद जब वहां प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीती तो आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक पंडित भी यही सोच रहे थे कि शिवराज को बीजेपी रिपीट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। शिवराज सिंह को जो जिम्मेदारी मिली है वो भी चौंकाने वाली है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शिवराज को क्या नई जिम्मेदारी मिली है, इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है। आपको दूसरी राजनीतिक पार्टियों से देकर बीजेपी के इस चरित्र के बारे में भी बताएंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के ऐसे नेताओं में शामिल हैं जो जमीन से जुड़े हैं और जनता के बीच जिनकी अच्छी पैठ है। 2014 से पहले वो नरेंद्र मोदी की तरह बीजेपी के ऐसे नेता थे जिन पर पार्टी बड़ा दांव खेलने का भरोसा करती थी। उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर शिवराज को मोदी के बराबर महत्व दिया था। ये बात अलग है कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया, लेकिन शिवराज आज भी बीजेपी के सबसे सक्षम नेताओं में से एक हैं। बीजेपी ने उनकी इसी क्षमता को देखते हुए एक बेहद कठिन टास्क उन्हें सौंपा है। बीजेपी के लिए साउथ इंडिया की करीब करीब बंजर दिखने वाली जमीन पर कमल खिलाने की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। शिवराज ने इस जिम्मेदारी के लिए हां भी कह दी है। कई सियासी पंडित बीजेपी के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक भी मान रहे हैं। उनका मानना है कि शिवराज अपने मिशन साउथ में जरूर कामयाब होंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक पंडित ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या शिवराज खुद से मध्य प्रदेश छोड़ने को राजी हुए हैं या पार्टी के आदेश के पालन की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के ऐलान से पहले वो बार बार यही कहते आ रहे थे कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हम सब एक मिशन के लिए काम करते हैं, पार्टी हमारी भूमिका तय करती है और आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसे निभाऊंगा। दोस्तों, खबर है कि शिवराज को दक्षिण भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कुछ खास जगहों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावा यहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। यहाँ की कुल 131 लोकसभा सीटों में से अभी बीजेपी के पास सिर्फ 30 सीट हैं, कांग्रेस के पास 27 सीट हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों का 74 सीटों पर कब्जा है। राज्यों में केवल कर्नाटक में बीजेपी की मौजूदगी अच्छी है, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस राज्य की सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी को अपने मिशन 350 प्लस को पूरा करना है तो उसे दक्षिण के राज्यों में काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए खुद पीएम मोदी काफी गंभीर हैं। काशी तमिल समागम के जरिए मोदी उत्तर और दक्षिण भारत को एक साथ साध रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो 2024 में तमिलनाडु की सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी साउथ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसने शिवराज को भी इस अहम टास्क में शामिल कर दिया है। दोस्तों, शिवराज को साउथ इंडिया की कमान सौंपने वाला कदम आगे चलकर बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बीजेपी में शिवराज सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा माने जाते हैं, वो धार्मिक विवादों से बचते रहे हैं, यही वजह है कि एमपी में उन्हें मुस्लिम भी वोट करते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में इसकी झलक भी दिखी है। जब एक मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दिया तो उसके देवर ने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उस महिला को अपने घर बुलाकर उससे मुलाकात की। इसके साथ ही ओबीसी पॉलिटिक्स भी साउथ के राज्यों में एक बड़ा फैक्टर है जिसमें शिवराज सिंह चौहान एकदम फिट बैठते हैं। दोस्तों, बीजेपी हिंदी बेल्ट में हार्ड हिंदुत्व पर चलती है, लेकिन साउथ इंडिया में हार्ड हिंदुत्व की जगह सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलने की रणनीति है।
और इसके लिए बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान सबसे मुफीद चेहरा है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जब एमपी के मुख्यमंत्री थे तो भी दक्षिण भारत के राज्यों में सक्रिय रहे हैं, वहां अलग अलग राज्यों में स्थित मंदिर और मठों में जाते रहे हैं। 2022 में शिवराज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ रामानुजाचार्य की याद में बनाए गए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पहुंचे थे। उन्होंने चिन्ना जियार स्वामी आश्रम में आयोजित होने वाले रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी समारोह में हिस्सा लिया था और अपनी पत्नी के साथ विशेष पूजा भी की थी। 2021 में वो मीनाक्षी टेम्पल और रंगनाथ स्वामी मंदिर भी गए थे और पत्नी के साथ विधिवत पूजा की थी। शिवराज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी काफी एक्टिव रहे थे। तमिलनाडु को साधने के लिए डॉक्टर एल मुरुगन को एमपी से राज्यसभा भेजा गया था। आंध्र और कर्नाटक चुनाव के दौरान भी शिवराज सिंह चौहान सक्रिय रहे। दक्षिण के राज्यों में संगठन के अंदर भी उनकी अच्छी पकड़ है। इन्हीं सब वजहों से शिवराज को संगठन की एक अहम जिम्मेदारी देते हुए मिशन साउथ पर भेजा जा रहा है। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिवराज का कद छोटा हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी का नया चरित्र ऐसा ही है, इसमें सत्ता नहीं बल्कि संगठन और विचारधारा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसमें व्यक्तिगत हित की जगह पार्टी और देश हित को अधिक महत्व दिया जा रहा है। शिवराज की तरह कई नेताओं को इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें कुछ नाम ऊपर पहले ही दे दिए गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2024 में अगर चुनाव में जीत मिली तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2-3 साल ही पद पर रहेंगे। इसके बाद वो ये पद किसी अन्य योग्य नेता को सौंप कर राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मोदी ने 75 साल की उम्र का जो सिद्धांत बनाया है उस पर वो खुद भी अमल जरूर करेंगे। गौरतलब है कि भारत के दूसरे राजनीतिक दलों में इस तरह का चरित्र देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान को साउथ की जिम्मेदारी देने और बीजेपी के बदलते चरित्र पर हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब इसे आप लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।